श्रीवी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी द मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदा और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफ़क़त के साथ दौर जदीद के तकाजों के मुताबिक ऑडियो वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शावरीउल्ला नगर, कैंपस 2 रहमत चौक, फोन 02133661749, 02136406946। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 4 सोशल स्टडीज, लेसन 1, अर्थ एज अ होम फॉर ह्यूमन बींग्स। जमीन इंसानों के रहने की जगह। एज यू नो, आवर अर्थ इज जस्ट वन ऑफ द काउंटलेस हेवली बॉडीज इन यूनिवर्स। एज यू नो, आवर अर्थ इज जस्ट वन ऑफ काउंटलेस हेवनली बॉडीज इन द यूनिवर्स, बट इट्स ओनली वन नोन इन द सपोर्ट ऑफ लाइफ। इट्स व्यूड स्पेशली एज द होम ऑफ ह्यूमन बींग, एनिमल, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। द जोन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स, इट्स कॉल्ड बायोस्फीयर। ज़मीन जो है वह कायनात में एक जगह है रहने की, बट इट्स ओनली नोन एज द सपोर्ट ऑफ लाइफ, जो इंसानी ज़िंदगी को सपोर्ट करती है। इट्स व्यूड स्पेशली, ख़ास तौर पर इंसान जो है ज़मीन पर जो घर बनाते हैं, कौन कौन? इंसान, जानवर, दरख्त और दूसरे जानदार अशिया। द जोन अर्थ वेयर इज एग्जिस्ट कॉल्ड बायोस्फीयर। एटमोसफेयर, द स्फीयर ऑफ एयर। लिथोस्फेयर, द स्फीयर ऑफ लैंड। हाइड्रोस्फेयर, द स्फीयर ऑफ वाटर। माहौल जो है, पानी के लिए जो माहौल है, हवा के लिए माहौल है और ज़मीन के लिए जो माहौल है, ये पानी के लिए एक अलग माहौल, हवा के लिए अलग माहौल और ज़मीन के लिए अलग माहौल। एटमोसफेयर वाटर, एटमोसफेयर ऑफ एयर। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एयर, द एम्प्टी गैसेस जस्ट पोस्ट हैव एयर इन देम। Like water, air is necessary for all living things. Close your nose and mouth for some time, what you feel. ये जो दुनिया है वो हवा से भरी हुई है। The empty of gases, बहुत सारे खाली gases हैं। Jug and pots, जो जग और glass हैं, बर्तन हैं, have air in them, उसमें हवा भर दे। Like water, जैसे कि पानी, हवा, इन necessary। अब उसमें क्या है कि उसमें जो जिंदा जानदार जो चीज़ें हैं, उसके लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो हवा है। क्लोज योर नोज, आप अपने आप को बंद करें फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए। व्हाट यू डू फील, आप क्या महसूस करेंगे? वी ब्रीथ एयर टू लिव, हमें जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हवा की। ब्रीथिंग, कुकिंग, फ्लाइंग, सेलिंग, जस्ट अ फ्यू ऑफ दैम एक्टिविटीज़ आई एम डिपेंड अपॉन द एयर। ये हम पकाने के लिए, उड़ने के लिए, हमें तैरने के लिए, हमें इन सब चीज़ों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें हवा की ज़रूरत पड़ती है। एटमॉस्फेयर ऑफ द स्फीयर एयर, यानी हवा के लिए जो माहौल है। एनिमल एंड प्लांट आल्सो ब्रीथ टू स्टे लाइव, जो जानदार हैं, जिसमें जानवर हैं, दरख्त हैं, प्लांट्स हैं, इनको भी ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत है। विदाउट एयर, इट्स लाइकली देयर वुड बी नो लाइफ एट ऑल ऑफ द अर्थ। जिंदगी ज़मीन में कोई भी जानदार अशिया हवा के बगैर नहीं रह सकती। लिथोस्फेयर, द स्फीयर ऑफ लैंड। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। ये वो जगह होती है, जो सॉलिड पोर्शन, सख्त जगह होती है, जहाँ पर ज़मीन, द पार्ट ऑफ अस लिव ऑन, जहाँ जिस जगह पर हम मकान बनाते हैं और रहते हैं, ये वो जगह। द पार्ट ऑफ डेट आवर होम्स, स्कूल, प्ले ग्राउंड एंड सिटीज आर बिल्ड ऑफ, ये वो सब जगहें हैं एटमोसफेयर, लिथोस्फेयर, जहाँ पर हम अपने पार्क, स्कूल,
ग्राउंड, मकानात, फ्लैट, ये सब ऐसी जगहों पे बनती हैं जो जो कहलाती है लिथोस्फेयर, स्फेयर ऑफ लैंड। द लिथोस्फेयर इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ द लैंड मासेस, माउंटेन्स, वैली, प्लेन्स एंड द रेस्ट ऑफ इट आल्सो इंक्लूड पार्ट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसमें ये जो गांव हैं, देहात है, जो पहाड़ हैं, इनके जो मासेस हैं। नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ लिथोस्फेयर इज द सॉलिड रॉक, यूजली रॉक इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ सोइल। जो तीसरी है हमारा हेडिंग है वो है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर द स्फेयर ऑफ वाटर, पानी के लिए जो माहौल है। लुक एट द ग्लोबल ऑफ द अर्थ, आप जब इस दुनिया के नक्शे को जब देखेंगे, इस दुनिया के नक्शे को, लुक एट द ग्लोबल ऑफ द अर्थ, यू कैन सी, आप देख सकते हैं, इट्स कलर मोस्टली ब्लू, इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो ब्लू है। दैट स्टार्ट फ्रॉम वाटर अबाउट द 71% ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन का 71% हिस्सा जो है वो पानी से भरा हुआ है। सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, दैट्स वाई द अर्थ इज नोन एन अ वाटर प्लेनेट, इसलिए ज़मीन को पानी का सैयारा कहते हैं, और ब्लू प्लेनेट, और या तो इसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं। इट्स ओनली प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच हैज़ वाटर, ये वाहिद सैयारा है, ज़मीन वाहिद सैयारा है जिसमें पानी मौजूद है और सैयारों में नहीं है। ये द ओशियन सीज, लेक्स, रिवर, स्ट्रीम्स एंड अदर वर्ल्ड बॉडीज ऑन द अर्थ फ्रॉम द हाइड्रोस्फेयर। हम जिस ज़मीन पर रहते हैं उसमें समुंदर भी है, दरिया भी है, झील भी है, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन जो है वो 71% पानी से भरा हुआ है। वाटर इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ अल्लाह, पानी जो है अल्लाह ताला का हम पर इनाम है। वी नो डैट लाइफ और अर्थ डिपेंड ऑन वाटर ऑफ लिविंग, पानी के बगैर कोई भी जानदार चीज़ें हैं वो ज़िंदा नहीं रह सकती। यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स, हम क्या करते हैं, पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वाटरिंग प्लांट्स, और हम दरख्तों में डालते हैं। नाइदर द प्लांट्स फॉर नॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग सर्वाइव विदाउट वाटर, कोई भी जानदार अशिया पानी के बगैर नहीं रह सकती। इट आल्सो सोर्स ऑफ रेन ऑफ चीफ अर्थिंग कूलिंग एटमोसफेयर, और पानी हमारे एटमॉस्फेयर को, माहौल को ठंडा रखने के लिए भी होता है। जब जैसे गर्मियों का मौसम में हमें ठंडक की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह हमें गर्मियों में इनके बारिश हो जाए, मानसून की का निज़ाम होता है। विदाउट वाटर और अर्थ वुड हैव बीन हॉट डिजर्ट विद नो लिविंग थिंग ऑन इट, अगर पानी ना हो तो इस तरह रेगिस्तान की तरह होगा और इसमें कोई भी जानदार चीज़ें जिंदा नहीं रह सकती। ह्यूमन एनिमल एंड प्लांट हैव मेड ऑन द अर्थ ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ, ये जो हमारी जो ज़मीन है वो हरियाली है, क्यों, किस वजह से, और पानी की वजह से। वाटर हैज़ मेनी अदर्स यूज लाइक द मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी, रनिंग इंडस्ट्रीज एंड प्रोमोटिंग ट्रेड, वेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी शुड नॉट वेस्ट इट। हम पानी के ज़रिए से बिजली बनाते हैं, रनिंग, हम अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, सनअतें हम पानी की वजह से चल रही हैं, और पानी, वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, पानी हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, वी शुड नॉट वेस्ट इट, तो हमें इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। वाटर साइकिल, द वाटर इज द हाइड्रो स्पेस कंस्टेंटली इज इन मोशन। वाटर साइकिल जो है वो हाइड्रोस्फेयर जो है ये मोस्टली जो है मोशन, हरकत में है। हीट एनर्जी फ्रॉम द सन, हम जो तवानी हासिल करते हैं तो वो सूरज के ज़रिए से, कॉजेज सम द हिज वाटर ऑफ एज द वाटर एपोरोस राइज इन द एटमोसफेयर, द फ्रॉम क्लाउड्स फ्रॉम द एयर ड्रॉप फ्रॉम द वाटर एंड ब्रेक इन द अर्थ, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स कैरी वाटर ब्रेक टू द ओशियंस। उसके बाद क्या होता है, ये ज़मीन से, ये वाटर साइकिल का एक डायग्राम है, आपको नज़र आ रहा होगा कि वाटर साइकिल किस तरह का होता है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो हमने इसको कंप्लीट किया है, और इसके बाद इंशाल्लाह इसमें एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है, ये आपको देखेंगे कि द जोन ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एक्जिस्ट इज कॉल्ड, जहाँ पर जिंदा रहने की, ज़िंदगी की एग्जिस्ट करती है उसको क्या कहते हैं। डैश इज़ द ओरिजिन सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे एनर्जी हासिल करने के लिए सबसे मेन सोर्स क्या चीज़ है। द ब्लैंक
द ब्लैकेट ऑफ एयर सराउंडिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, द एटमोसफेयर कंडीशन ऑफ एनी वन प्लेस टाइम इज कॉल्ड, आवर अर्थ इज सो कॉल्ड, उसको हमारी ज़मीन को दूसरा नाम क्या किया जाता है, ये हमारा टॉपिक है। इंशाल्लाह बाद नेक्स्ट में हम लेसन टू करेंगे। थैंक यू।